बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ फ़िलोसफी ऑफ लॉ, जो कि एलएलबी पार्ट वन का सब्जेक्ट है और पेपर नंबर 5 है, उसकी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ फिलोसफी, व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाट इज़ फिलोसफी ऑफ लॉ। ये जो स्लाइड अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये स्लाइड ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप उस स्लाइड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक, वी हैव टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फिलॉसफी एंड लॉ एंड व्हाट इज़ फिलॉसफी ऑफ लॉ। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, फ़िलोसफ़ी क्या होती है, फ़लसफ़ा किसे कहा जाता है? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ क्लास में बताई है कि जब भी आप किसी मटीरियल फैक्ट मीन एन एग्जिस्टिंग फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एग्जिस्ट करता है, जो मटीरियल है, उसके बारे में जब आप रियल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब रियल नॉलेज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके लिए जो प्रॉपर मेथड है उसको बोला जाएगा इन्वेस्टिगेटिव स्टडी। अब इन्वेस्टिगेटिव स्टडी क्या है कि आप जब भी किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट को अपनी 5 फिलोसॉफिकल डायमेंशन से देखेंगे। अब 5 फिलोसॉफिकल डायमेंशंस क्या हैं? व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट। जब भी आप किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट को उन 5 फिलोसॉफिकल डायमेंशन से देखेंगे, जिसको WH फैमिली भी बोला जाता है, तो उसको इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ऑफ दैट एग्जिस्टिंग फैक्ट बोला जाएगा। जब भी आप किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट के ऊपर, एग्जिस्टिंग फैक्ट का मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर एक फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, आपने किसी चीज को अपनी आंखों से देखा ही नहीं, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टडी नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग फैक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टडी होती है, और इन्वेस्टिगेटिव स्टडी जो है वो 5 WH फैमिली, जो कि फिलोसॉफिकल 5 डायमेंशंस हैं, उनके ऊपर वो बेस करती है। तो जब भी आप किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है फिलॉसफी ऑफ दैट एग्जिस्टिंग फैक्ट। फिलॉसफी की डेफिनेशन देखते हैं जी। इन्वेस्टिगेटिव स्टडी, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, ऑफ रियल नॉलेज, इट्स एग्जिस्टेंस, उसके वजूद के बारे में, इट्स सोर्सेज के वो किन किन जराए से मिलके बना है, और काजेज, इट्स नेचर, उस एग्जिस्टिंग फैक्ट की नेचर क्या है, इट्स मटीरियल बेसिस, किन किन एलिमेंट्स से वो मिलकर जो है वो क्रिएट हुआ है, एंड स्कोप, और उसका उसकी अहमियत क्या है, उसकी अफादियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। अब क्या होता है, जब आप किसी रियल फैक्ट के ऊपर या मटेरियल फैक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं, तो जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनके जो हकायक जो है, हकायक से पर्दा जो है वो उठ जाता है, और ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी रेमेडीज जो है वो प्रोवाइड हो जाती हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि विच अनरेवल्स और अनविंड, यानी कि लिफ्टिंग अप ऑफ वेल बोलते हैं पर्दे को, लिफ्टिंग अप ऑफ वेल ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड डिवाइस इट्स रेमेडीज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी का। यहां तक तो हमने देखा कि फिलॉसफी क्या है, अब हम देखते हैं कि लॉ क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, ये डेफिनेशन है सर जॉन सामंड की। अब सर जॉन सामंड की जो डेफिनेशन है, हमने उसको 3 हिस्सों में स्प्लिट अप किया है। पहला हिस्सा क्या कहता है कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कवायद और जवाबित का ऐसा मजमुआ विच हैज बीन रेकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। अब रेकग्नाइज का मतलब है मंजूर करना, एंड अप्लाइड, और अप्लाइड का मतलब है उसको लागू करवाना। अब अगर हम एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट को देखें, तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं, उसमें अब रेकग्नाइज कौन करता है, मंजूर कौन करता है कानून को, तो हमें यह नजर आता है कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, उसका काम है लॉ को रेकग्नाइज करना एंड अप्लाइड।
अब अप्लाइड कौन कर उसकी एप्लीकेबिलिटी कौन करवाएगा? हम ये देखते हैं कि जो सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है एग्जेक्यूटिव, एग्जेक्यूटिव का काम यह है कि जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो लेजिस्लेचर ने जिस कानून को रेकग्नाइज किया है उसको अप्लाई करवाना एग्जेक्यूटिव की ड्यूटी है। और थर्ड वन इज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्यों? आखिर ऐसे कवायद व जवाबित का मजमुआ जिसको लेजिस्लेचर रेकग्नाइज करती है और एग्जेक्यूटिव अप्लाई करवाती है, ऐसा वो क्यों करते हैं? तो थर्ड पॉइंट में हमें पता चलता है कि इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के इंसाफ के तकाजों को एक मुआशरे में, एक रियासत में, एक सोसाइटी में, एक नेशन में इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिनको रेकग्नाइज लेजिस्लेचर करती है और एग्जेक्यूटिव उसको अप्लाई करवाती है। अब इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करने के लिए गवर्नमेंट का एक थर्ड ऑर्गन मौजूद होता है जिसे जुडिशरी बोला जाता है। यानी कि ये जो सर जॉन सामंट की डेफिनेशन है, इट वुड बी टर्म्ड एज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लॉ, दैट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रेकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये था हमारा कॉन्सेप्ट लॉ के बारे में। अब हमने देखा कि फिलॉसफी क्या थी, लॉ क्या था। अब हमने नेक्स्ट स्लाइड में अपनी वो डेफिनेशन जो फिलॉसफी की थी और जो डेफिनेशन हमारी लॉ की थी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने आपस में मर्ज करना है। तो जब हम फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट को और लॉ के कॉन्सेप्ट को जब आपस में मर्ज करते हैं तो हमारे सामने डेफिनेशन कुछ इस एंगल से हमारे सामने जो है वो आती है। इसको जरा रीड आउट करते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एन इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ऑफ लॉ। जब हमने सिर्फ फिलॉसफी की डेफिनेशन देखी थी तो हमने वहां पे ये एक लाइन पढ़ी थी, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ऑफ मटेरियल फैक्ट, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट। तो अब जो लॉ है, किसी भी स्टेट का जो कानून है, कानून या लॉ इज एन आल्सो एग्जिस्टिंग फैक्ट, कानून एक एग्जिस्टिंग फैक्ट है। तो जब हम किसी भी एग्जिस्टिंग फैक्ट की इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं तो वो उसकी फिलॉसफी कहलाती है। इसी तरह लॉ इज आल्सो एन एग्जिस्टिंग फैक्ट। अब हम अगर कानून की इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी फिलॉसफी ऑफ लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एन इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ऑफ लॉ, इट्स एग्जिस्टेंस, इट्स सोर्सेज और काजेज, इट्स नेचर, इट्स मटीरियल बेसिस, इट्स स्कोप्स विच अनरेवल्स और अनविंड, यानी कि लिफ्टिंग अप ऑफ द वेल के हकायक से पर्दा उठाना, ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड डिवाइसेस, इट्स रेमेडीज। सो अब इस डेफिनेशन में हमने क्या किया कि हमने फिलॉसफी की डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी, उसके बाद हमने लॉ की डेफिनेशन को देखा जो कि सर जॉन सामंट की डेफिनेशन थी। अब हमने फिलॉसफी और लॉ दोनों के कॉन्सेप्ट को आपस में मर्ज किया तो फिलॉसफी ऑफ लॉ की डेफिनेशन जो है हमारे सामने वो कुछ इस सूरत में आती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक छोटी सी लॉ की एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो सके। देखें, एक कानून है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स का मर्डर कर देता है तो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पीनल कोड जो है, ताज़ीरात-ए- पाकिस्तान जो है वो हमें ये बताता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का मर्डर करेगा तो उसको मैक्सिमम जो है वो कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड की जाएगी, यानी कि उसको सजाए मौत का हुक्म जो है वो सुनाया जा सकता है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है, इससे कम भी हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, 14 ईयर तक भी जा सकती है। अब ये तो सिंपल ये था कि एक मैथमेटिक्स का रूल किसी को बता दिया जाए कि 2 + 2 = 4, तो इसी तरह ये भी बता दिया गया कि अगर किसी एक शख्स ने दूसरे शख्स का मर्डर कर दिया तो उसको बदले में कत्ल कर दिया जाएगा या उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो अब ये नॉलेज नहीं है, ये क्या है? ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क होगा? जब भी कोई आपके सामने एग्जिस्टिंग फैक्ट आता है आपके लिए जस्ट वो उस वक्त तक जस्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं तो
तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है नॉलेज में, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करने के बाद आप किसी ना किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इट डजंट मैटर कि आपका कंक्लूजन जो है वो किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है, इट डिपेंड अपॉन द थ्योरी कि आप किस तरह उसको जो है वो पेश कर रहे हैं या आपकी रिसर्च बेस्ड क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी मर्डर की। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई शख्स ये कहता है कि देखें जी पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर ए ने बी को मार दिया तो बदले में उसको सजाए मौत का हुक्म दिया जाएगा या फांसी की सजा दी जाएगी। तो मैं उसके ऊपर सोचता हूं, जब मैं सोचता हूं तो मीनिंग देयर बाय कि मैं अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टडी की तरफ जा रहा हूं। अब इन्वेस्टिगेटिव स्टडी की तरफ मैं कैसे जा रहा हूं, मैं सोचूंगा कि ऐसा क्यों है, वाई, अच्छा ऐसा कब से है, व्हेन, ऐसा मतलब कि मैंने आपको जो फाइव डायमेंशंस बताई हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में अराइज होंगे जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि कत्ल करने की सजा कत्ल क्यों है, तो मैं इसके ऊपर सोचूंगा। अब अगर तो मैं सिर्फ सोचता हूं तो मुझे उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसका जवाब ढूंढने के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब भी आप कानून के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं तो इसे बोला जाता है फिलॉसफी ऑफ लॉ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।